अपमान को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपमान के नाम पे जो धर्म के नाम पे बवाल होता है वो भी यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर किसी को धर्म का सम्मान करना होगा, साधु संतों का सम्मान करना होगा। तो देवी देवताओं को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है जहाँ उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी अस्वीकार्य है और जिस तरीके से कुछ लोग अराजकता करते हैं, बवाल करने का प्रयास करते हैं, वो भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देवी देवताओं को लेकर मुख्यमंत्री की ये बड़ी टिप्पणी है जहाँ उन्होंने कहा है कि देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आस्था से खिलवाड़ करने पर बड़ा एक्शन होगा, मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ कर दिया गया है यहाँ पे। और ये भी कहा है कि दुस्साहस किया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं निकल के सामने आ रही हैं जहां पे साधु संतों को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, जिस तरीके से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर योगी ने चेतावनी दी है और कहा है दरअसल कि जाति धर्म को लेकर जो टिप्पणी की जाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक, मत मजहब संप्रदाय का सम्मान करना होगा। अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त है। साधु संतों का अपमान स्वीकार्य नहीं, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कर दिया। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग धर्म के नाम पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, दूसरे धर्म की निंदा करते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं और इसी को लेकर के साफ चेतावनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बिल्कुल तो तस्वीर साफ कर दी है, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि मजहब कोई भी हो सम्मान करना पड़ेगा। साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी जिस तरह से की जा रही है, हल्की बयानबाजी जो की जा रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देवी देवताओं पर भी जो टिप्पणियां हो रही हैं उसको लेकर ये क्लियर कर दिया है। आस्था से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो चोट पहुंचा रहे हैं, छल कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी, ये भी कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सभी एक दूसरे का सम्मान करें, ये मैसेज सभी के लिए है और ये समझना होगा सभी को कि एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना है। बार बार आस्था पर जो इस तरह से चोट की जा रही है, धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश हो रही है, देवी देवताओं पर टिप्पणी हो रही है, तो उसको लेकर ये क्लियर मैसेज अब दे दिया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिससे बार बार लगा कि सनातन पर चोट करना, सनातनी आस्था को एक तरह से छल के जरिए परेशान करना, ये आदत होती जा रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को आज कहना पड़ा है। अब बिल्कुल सख्त जो टिप्पणी है अधिकारियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने करी है कि जिस तरीके से तमाम धार्मिक रीति रिवाजों में, तमाम धर्मों में देवी देवता होते हैं, तमाम धर्मों में महापुरुष होते हैं, उनके जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो हैं, ऐसे में किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी जो की जाएगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीचे तक अधिकारियों के माध्यम से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है नीचे तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है। आने वाले दिनों में कई सारे त्यौहार हैं, उन त्योहारों में शांति व्यवस्था बनी रहे इस बात की भी जो मुख्यमंत्री ने है सीधे सीधे पैरवी करी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो टिका टिप्पणी पिछले दिनों की गई जिसके चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पत्थरबाजी की गई, उन तस्वीरों को देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म की, किसी महापुरुष के ऊपर की गई टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो अजय बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जिस तरीके से बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं निकल के सामने आई हैं उस पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी निकल के सामने आई है। अजय, आने वाले दिनों में त्यौहार भी होने वाले हैं, बड़े त्यौहार है, दशहरा है, नवरात्रि चल रही है, फिर दिवाली आएगी, बड़े त्यौहार जो हिंदुओं के हैं उसमें इस तरीके की बातों के जरिए माहौल खराब ना हो, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का उद्देश्य ये भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं और लगातार जो फैसले हैं, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल 2017 के बाद बदला हुआ दिखाई देता है, तमाम वो चीज़ें और पिछले दिनों जो घटनाक्रम घटे हैं, ऐसे में इन घटनाक्रमों में किस तरीके से एक्शन लेना है इसको लेकर क्लैरिटी ऑफ थॉट मुख्यमंत्री के इस बयान, इस निर्देश के बाद साफ तौर पर अधिकारियों में जाएगा और जो पुलिस के तमाम कर्मी हैं उनकी छुट्टियों को भी आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पहले ही रद्द किया जा चुका है। कोई छुट्टी विशेष स्थिति कोई होती है तो मिलेगी, वरना सुरक्षा के इन इंतजामों को लेकर छुट्टियां रद्द हैं और किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी को लेकर सख्त एक्शन लेना है, यह भी निर्देश स्पष्ट तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो लोग जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अपनी भाषा के जरिए अपमान करते हैं और ऐसे ही माहौल खराब होता है, माहौल जब खराब होता है उसके बाद अब जो माहौल है वो ज्यादा दिक्कत कर देता है। लिहाजा मुख्यमंत्री की ओर से साफ साफ चेतावनी यहाँ पे दी गई कि अगर कुछ लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Thank you.
तो दो टूक कह दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगर दुस्साहस किया गया, जाति या धर्म पर गलत टिप्पणी की गई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देवी देवताओं पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कह दिया है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को सजा मिलेगी, ये भी क्लियर कर दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खरी खरी बात कह दी है, जो असदुद्दीन ओवैसी को बुरी लग गई है, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गई है और उस पर वो लगातार बयान दे रहे हैं। आखिर क्या कहा है मोहन भागवत ने, पहले आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि एकता की बात बार बार सामने आ रही है। जिस तरह का अभी माहौल बना हुआ है, जिस तरह से जिहादी साजिशें हो रही है, तो ऐसे में अब जब मोहन भागवत ने भी वही बात दोहराई है तो ये अखर गई है, असदुद्दीन ओवैसी को परेशान कर गई है। और यही वजह है कि एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। आपको सुनवाते हैं, दरअसल ओवैसी ने कहा क्या है, किस तरह से मोहन भागवत पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्या कुछ कहा, क्यों भड़क गए, सुनिए जरा। भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है, सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है, वो किससे है, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। तो एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा मोहन भागवत को लेकर के वो कह रहे हैं कि खतरा है हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी खतरा है इन दोनों से। लेकिन अब आपको सुनवाते कि मोहन भागवत की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया था, जिसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए, सुनिए आप। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है?